आप देख रहे हैं RPKP इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं शिव विनायक तिवारी, RPKP इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए नगर में चलते हैं शहर से जुड़ी कुछ खास खबरों की। शौचालय की मांग को लेकर देवगांव में ग्रामवासियों ने किया धरना प्रदर्शन। कटनी जिला अंतर्गत रिथी तहसील के ग्राम देवगांव में लोगों द्वारा शौचालय निर्माण को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। ग्रामवासियों ने बताया कि गुरैया बाबा जहां पे पूरे ग्रामवासियों का निस्तार है, वहां पे अवैध रूप से शौचालय बनाया जा रहा है। बस स्टैंड में जहां 15 वर्षों से शौचालय नहीं बना है, वहां शौचालय बनाना ज़रूरी है। ज्ञात हो कि इसके पूर्व भी बस स्टैंड में शौचालय बनाए जाने की मांग की गई थी और सक्षम अधिकारियों के द्वारा बनाने की अनुमति भी दे दी गई थी, फिर भी वहां शौचालय नहीं बनाया गया। धरना प्रदर्शन में अशोक शर्मा उप सरपंच, सुभाष चौधरी, वीरा चौधरी, संतु आदिवासी, सेवा राम, मंकू, संजू बर्मन, सनी बबलू यादव, लालजी रामसुजान, वैशाली राम यादव, हेतराम सहित ग्रामवासी उपस्थित रहे। रिपोर्ट राजेश कुमार तिवारी, RPKP इंडिया न्यूज, कटनी। ये समस्या कि मैं ग्राम पंचायत उप सरपंच हूँ, ग्राम पंचायत देवगांव का, और जनता के काम करवाने के लिए आज 2 साल से हम लोगों को ग्राम सभा की बैठक नहीं ली गई, जिससे हमको वंचित रखा जाता है। ना हमको इनके प्रस्ताव पता है, ना हमको इनका पैसा का लेन देन कुछ पता है, ना पंचों को और पब्लिक को। आवास बट रहे हैं, इनकी धांधली में बट रहे हैं, 10-10 हज़ार रुपये लेकर के घूस रिश्वत बांट रहे हैं। तलंगिया तलवा जो बन रहे हैं, उनमें जो तलंगिया का प्रस्ताव हो उसको बेच के मट्टी डलवा देते हैं, माने हितग्राही से मिलकर। और दूसरी तलंगिया में निर्माण कार्य चालू किया है, जिसका प्रस्ताव मैं आप लोगों को दूंगा मांग के, इनसे निकलवा रहा हूँ सूचना के अधिकार से। अभी जो हमारी समस्या बस स्टैंड के मूत्रालय की, 15 साल से प्रस्तावित प्रस्ताव है, जिस पर हमारी सरपंच ने आज तक अमल नहीं किया, ना 5 सरपंचों ने पहले अमल किया। इसमें कोई कारण है, ये क्यों नहीं बनाने को मिल रहा ग्राम पंचायत देवगांव में शौचालय, जो कि आप लोग देख रहे हैं पूरे 25 ग्राम का जंक्शन है और यहाँ आबादी भी ज़्यादा है। पंचायत देवगांव सचिव राजेंद्र तिवारी और CO रीठी, उनका नाम मालूम नहीं है मेरे को, रीठी CO है, और सरपंच का नाम सरपंच श्रीमती संध्या राय। और आपका क्या नाम? मेरा नाम श्री अशोक कुमार, मेरा नाम अशोक कुमार उप सरपंच निर्विरोध। महोदय जी, माननीय महोदय जी, इन लोगों ने बिना प्रस्तावित शौचालय जो बन रहा गुरज जवाब हमें, हमारे यहाँ की वहाँ होली जलती है, हमारे यहाँ जवारे निकलते हैं वहीं से, हमारे वहाँ गणेश विसर्जन होता है वहीं से, कजलियाँ निकलती हैं वहीं से, बाजार हाट लगती है, दीपावली को पूरे ग्राम की गाय जुड़ती हैं, 10-5 गाँव की वहाँ पर बिचकाई जाती हैं। सामुदायिक भवन बना है, पहले से शौचालय बना है, जिसके 4 साल तक उन्होंने कोई उपयोग नहीं किया, आज भी ताला लगा है। वहाँ गोदाम में खाद भर के सरपंच किराया वसूलती हैं और फिर से दूसरा शौचालय वहाँ बिना प्रस्तावित कर रही हैं, जिसमें हमारे गांव में फूट हो जाए, विरोध हो जाए, है और वहाँ पर शौचालय बनवा रही हैं जो 4 लाख का है। तो हम बस्ती वालों का कहना कि ये वाले सामुदायिक भवन बनवाइए, नल वाले चाहे नया वाला बना, वहाँ नहीं बना रही। हमने कहा बस स्टैंड में बनवाइए, यहाँ पर 15 साल से शौचालय नहीं, ग्राम सभा प्रस्ताव का अमल करिए, क्योंकि ग्राम का बनाया हुआ प्रस्ताव है, पूरे ग्राम की आप अवहेलना करते 15 साल से आ रही हैं, मान हानि कर रही हैं ग्राम सभा प्रस्ताव की। मैं इसका जवाब चाहता हूँ, ग्राम सभा प्रस्ताव क्यों डलवाए जाते हैं? अब ऐसा होगा तो ग्राम के लोग जितने भी हैं पीड़ित रहेंगे, पंचायत 3 तिकड़ियाँ में चल रही हैं, इनके गुंडा दलाल पले हैं जो आज भी पंचायत को प्रेशर देते हैं। हमें कहो तो कैसे सुना दूँ, कहते हैं कि उप सरपंच के कागज़ में दस्तखत करोगे, यहाँ जाओगे तो तुम्हारा काम मनरेगा में न लगेगा, ये बफौती करके हम